मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्राचार्य स्वशास्त्रीय चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर। समस्त गाजीपुर जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये होली बहुत ही प्रेम प्यार सौहार्दपूर्वक खेली जाए, ये मेरी जनता से अपील है। और सबसे ये कहना चाहूँगा कि वे केमिकल का प्रयोग ना करें, ऑर्गेनिक हर्बल रंगों का प्रयोग करें। अभी जो मुख्तार अंसारी ने एप्लीकेशन दिया कि हमारी जान को खतरा है, तो ये किस तरह से क्या जो कुछ राजनीति? अब देखिए, आज तो अभी हमारे थे रास्ते में, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि बांदा जेल के जेलर और दो डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ था, जहरीला पदार्थ मिलाया गया था, इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं, वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है, और उनके बेटे मुख्तार अंसारी की ओर से, उमर अंसारी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई है कि उनके सारे मामले और उनको उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं दूसरी स्टेट में शिफ्ट करके वहां ट्रायल करा लिया जाए और वहां उन्हें रखा जाए जुडिशियल कस्टडी में। अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो चुकी है, उसमें कोई डेट भी फिक्स है, उसकी सुनवाई अभी चल रही है। और इधर इन लोगों ने देखा कि ऐसा ना हो कि कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश ऐसा हो जाए, तो इस तरह का भी षड्यंत्र किया गया। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि बृजेश सिंह जो हैं उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था, तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह बृजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब ये है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है, उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए। ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। हम लोग कानून के रास्ते से इसमें जो उनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप लोगों का विभागीय से संपर्क हो पाएगा? नहीं, मैंने फोन किया था, वो जो एक सुविधा होती है परिजनों को, जो हफ्ते में 5 दिन कोई जेल में है तो वो अपने परिजन से फोन से बात कर सकता है, लेकिन इसमें उससे नहीं बात कर सकता, वो ही फोन करेगा तो बात होगी। तो उनका फोन तो आ नहीं पाया 4-5 दिन से। हमने जेलर को फोन किया, हमने सुपरिटेंडेंट को फोन किया, हमने बांदा के डीएम को फोन किया, अपनी तरफ से हमने फोन किया जी। इसका जो आज जो 3 लोगों से सस्पेंड किया गया है, उस कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? आप उनसे पूछिए, पहले तो उन लोगों ने छिपाने की कोशिश की। सुपरिटेंडेंट का बयान आया जब न्यायालय से ये कहा गया कि इसकी जांच कराइए ये क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी तबीयत खराब थी, हमने मेडिकल बोर्ड बना दिया है और मेडिकल कॉलेज बांदा से डॉक्टर आए हुए थे, कल भी आए हुए थे, आज भी आ रहे हैं और दवा उनकी चल रही है, वो ठीक हो जाएंगे और पहले से बेहतर है, ये सारी बातें कहा और इससे इनकार किया कि ये आरोप गलत है कि उनको जहर दिया गया। लेकिन जब आरोप गलत है तो जेलर का सस्पेंड होना साधारण बात नहीं है, दो डिप्टी जेलर का सस्पेंड होना साधारण बात नहीं है, जिनकी देखरेख में खाना बनता था, जिनकी देखरेख में खाना चख करके तब उनको दिया जाता था, उन लोगों का सस्पेंड होना तो प्रथम दृष्टया यह साबित करता है कि आरोप सही था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात जा रही है, देखिए वहां से कुछ होगा। सांसद जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जेल के अंदर जेल मैनुअल के अनुसार हर चीज चेक हो जाती है तो जहर जो है कि पहुंचा कैसे वहां? नहीं, कहा आपसे, जब पूरी मशीनरी लगी हुई है एक व्यक्ति को समाप्त करने के लिए, तो ये सब तो षड्यंत्र है। इससे पहले भी उनकी हत्या करने की अनेकों बार कोशिश की गई, कभी बम से उड़ाने की कोशिश की गई, कभी गोलियों से भूनने की कोशिश की गई,
बिहार का एक दुर्दांत अपराधी लंबू शर्मा पकड़ा गया था आगरा में, वो भी गया था टिफिन में बम लेकर के उड़ा देंगे, बम में मिलने के लिए आया था कि मेरी माँ की आंख का ऑपरेशन कराने के लिए सहायता दे दीजिए, और उन्होंने चिट्ठी लेके आ करके और उनके अकाउंटेंट से वो पैसा भी ले गया अपनी माँ का ऑपरेशन कराने के बहाने से। अब बाद में आया कि मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया है, उसने आपके लिए खीर बना के दी है खाने के लिए, और जब मिलने के लिए जाना था तो टिफिन के एक डिब्बे में खीर थी और दूसरे डिब्बे में बंद था, लेकिन मारने वाले से होता है बढ़कर है बचाने वाला, उसने भेद खुल गया, पकड़ा गया और सारा रहस्य खुल गया, सारा पता चल गया। तो उनको तो हर बार गरीबों करोड़ों लोग उनके लिए दुआ करते हैं और वही दुआ उनका कवच बन जाती है, तो वो जैसे हर बार बचे इस बार भी बचे हुए हैं। धन्यवाद।